अभी तो लॉकडाउन चल रही है तो हमें पता है कि हमारे हेयर केयर भी ज़रूरी है इस लॉकडाउन में, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना ही मिल रहा है कुछ सामान हमारे ग्रॉसरी शॉप में, क्योंकि धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो रहा है और उतना सप्लाई भी नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जो है ना हमारे जो ऑनलाइन वाले तो वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हेयर केयर तो करना ज़रूरी है, स्पेशली जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज्ड फ्रिजी होती है, वर्जिन हेयर भी है आपका लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाती है, दो मुँह बाल है और ब्रेकेज प्रोन हेयर है, तो उसके लिए मैं मेरे घर में एक ऑयल बना रही हूँ। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि इस लॉकडाउन के टाइम में आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो पाए। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट्स तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ साथ मेरे चैनल को ये फ्री वाला रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। तो एक्चुअली जो ऑयल है ना वेरी सिंपल है, आपको आपके किचन में एवरीथिंग मिल जाएगा। लाइक इसमें आप देख सकते हो, शायद मैं थोड़ा क्लोज कर रही हूँ, ये है जिंजर, मैं थोड़ा रफली चॉप्ड कर दिया है जिंजर को, ये है सिनेमन जो होता है दालचीनी, ये दालचीनी आप पाउडर डाल सकते हो, लेकिन पाउडर थोड़ा जल जाने पे क्या होता है ना उसका गुण जो होती है इफेक्टिवनेस वो थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ आप ऐसा वाला ही डालो। और उसके साथ जो लहसुन होती है, आई मीन जो गार्लिक क्लोव्स, आप चॉप कर भी डाल सकते हो या ऐसे ही डाल दो। और उसके साथ साथ आपका किचन में जो होती है होल स्पाइसेस, इसमें है मेथी, आप लोग जानते हो मेथी कितना एसेंशियल, कितना हेल्पफुल एंड कितना बेनिफिशियल है फॉर आवर हेयर, डैंड्रफ से लेके रूट से लेके एंड तक सभी में लगती है मेथी दाना। आई मीन दिस इज़ द फेनुग्रीक सीड एंड ये कलौंजी जिसको हम काला जीरा भी कहते हैं, ये दोनों को मैंने इक्वल अमाउंट में लिया है, थोड़ा सा कलौंजी मैंने ज़्यादा डाला है बिकॉज मेथी जो होती है हेयर ग्रोथ एज वेल एज डैंड्रफ के साथ साथ कलौंजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है हेयर को, मेरे हेयर में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए मैं कलौंजी ज़्यादा डालती हूँ। आपका ये ना ये जो मेज़रमेंट है एक्चुअली डियर ऑयल के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, ये ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिए, सिर्फ इसमें आप अगर आपका बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो, उसके साथ तिल का तेल होती है जो सीजम ऑयल वो आप लग डाल सकते हो, तो मैं इसमें वो दो नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे ग्रे हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें जो है एकदम नॉर्मल वाला आपका घर में जो है कोकोनट ऑलिव आप कैस्टर डालो, उसके साथ आप बादाम ऑयल डालो, जैसे कि मैं आलमंड ऑयल में ये वाला डाली हूँ, ये है पतंजलि का रोगन बादाम शिरीन, ये जो मैंने डाला है, कोई भी ब्रांड का कोई भी ऑयल अपने हिसाब से डालो, सिर्फ एक इशू है क्योंकि इसमें जो जो है डैंड्रफ भी मिटा देते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक सिनेमन जो मैंने डाले हैं उसके साथ साथ तो आपका मेथी है, सभी हेल्पफुल है, आपका डैंड्रफ भी प्रिवेंट करती है, लेकिन उसके साथ आपका एक्स्ट्रा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो ऑयल मैं अभी पकाऊंगी इसको अच्छे से कुक करना है, जलाना नहीं है सिर्फ पकाना है, तो ये अच्छे से पकाने के बाद इसका जो हम स्टेन आउट करके जो ऑयल निकलेगा उसमें आप थोड़ा सा रोजमेरी या मिंट ऑयल या इकलिप्टस ऑयल या आपके पास जो भी एसेंशियल है टी ट्री ऑयल ये सब ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। तो अभी हम गैस को ऑन करेंगे और इसको धीमे आंच में पकाएंगे, हमें जस्ट लाइटली कुक करना है। मैंने देखिए ये तो हाई फ्लेम है, मैंने इसको कम कर दिया है, अब तो पहले धीमे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस लगती है क्योंकि इसको हमको जलाना नहीं है, नॉर्मल तो कुछ खाना तो नहीं बना रहे कि जल्दी जल्दी पका लेंगे, बट ये एक ट्रीटमेंट है, आपको ये दिमाग में रखना है। आपको ऑयल कोई भी ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, डजेंट मैटर, सिर्फ इसको ये जो चीज़ें हम डाले हैं ना इसको इस ऑयल में इन्फ्यूज़ होने देने हैं, तो इसको अच्छे से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाती है, अच्छे से मीडियम टू सिम फ्लेम में आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसको पकाना है। जब तक आप देखोगे ये सब कलर चेंज हो रहा है लेकिन जल नहीं गया है तब तक इसको करना है। देख सकते हो ये कुक हो गया है, हाफ टर्न हो चुकी है, लेकिन हमें इसे और भी पकाना है, इससे थोड़ी थोड़ी जो फ्रेग्रेंस है अरोमा है वो भी निकल रहा है, तो आप थोड़ा मैं क्लोज कर रही हूँ, आप देखो जैसे कि अदरक जो है ये गार्लिक जो है और ये सब जो इसका कलर चेंज हो रहा है जैसे कि ऑयल में पका रहे हैं हम इसे, और फ्लेम है यहाँ पे मीडियम, थोड़ा सा आई मीन लो से मीडियम, जब ये हाफ टर्न हो जाएगा ना तब इसको और थोड़ा इन्फ्यूज करने के लिए वी हैव टू कुक इट, थोड़ा फास्ट फास्ट इसको कुक करना है ताकि ये जल ना जाए, बट तो इसलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम में रखना है।
स्क्रैमर है, ये जो ऑयल मैंने आपको दिखाया था, ये बनाने से पहले आपको 12 आवर्स पहले से ये सब चीज़ें आपको ऑयल में डिप करके रखना है, और फिर उसके बाद जो करना है 12 आवर्स के बाद इसको पका के फिर अनदर 12 आवर्स रख देना है, देन आपको स्ट्रेन आउट करना है। उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगी। ये अभी पक गया है, फुल्ली कुक्ड हो गया है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज ये जल जाएगा और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो सब चला जाएगा। तो यू कैन सी इट्स फुल्ली कुक हो गया है इसमें। तो मैंने ये ऑफ कर दिया है मेरे गैस के फ्लेम को, आपको सिर्फ ऐसे ही इसे छोड़ देना है, कुछ नहीं ऐड करना है। अभी 12 आवर्स आप ऐसे ही रहने दीजिए आपका जो ऑयल जो ये हमने बनाया है, फिर ढक के रखना है इसे, फिर हम स्ट्रेन आउट करने के बाद एक जगह पे स्टोर करेंगे। और यार तो ये है जो कल रात को हमने जो बना के रख दिया था, तो मोर देन 12 आवर्स हो गया है, होपफुली यू कैन सी नाउ। तो ये जो ऑयल है ये ऐसा दिखेगा एग्जैक्टली, जो इंग्रेडिएंट्स था फुली कुक्ड हो गया है इसके अंदर, लेकिन ओवर कुक्ड नहीं करना है हमें, तो अदरवाइज इसका जो इफेक्टिवनेस है वो सब चला जाएगा। सो नाउ आई विल स्टेन करूँगी मैं इसे विथ सीव ओनली, बट इफ़ यू हैव मुस्लिन क्लोथ तो ऐसा कुछ लाइट क्लोथन कॉटन क्लोथ के साथ भी आप कर सकते हो, बट उतना कुछ फाइन पार्टिकल्स तो नहीं है, तो यू कैन डू राइट दिस, आई मीन इसमें आप देख सकते हो अच्छे से स्टेन आउट हो रहा है। ऑयल एग्जैक्टली ऐसा होगा, ये जो रेस्ट्यू है इसको हमको निकालना है, ऑयल का कलर होगा एग्जैक्टली लाइक दिस, दिस इज द ऑयल। तो इसको जब भी यूज़ करना है यू कैन ऐड योर एसेंशियल ऑयल जस्ट आफ्टर बॉइलिंग, आई मीन आप डबल बॉयलर यूज़ कीजिएगा, डबल बॉयलर के साथ यूज़ करने से थोड़ा सा हीट होने के बाद यू कैन ऐड योर टी ट्री एसेंशियल ऑयल और व्हाट काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यू हैव, और यू कैन ऐड विटामिन ई कैप्सूल। तो ये एग्जैक्टली जो कलर बना है ना, दिस इज़ द परफेक्ट कलर जो हमें चाहिए, इसको सिर्फ वार्म अप करना है। और आप कंटिन्यूसली अगर आपका बहुत ह्यूज हेयर फॉल हो रही है बट ग्रोथ नहीं होती है, ये सब प्रॉब्लम अगर है, तो एवरी ऑल्टरनेट डे ओवरनाइट इसको लगा के रखिए, विद इन अ मंथ यू विल सी द चेंजेस, टेक्स्चर एंड हेयर फॉल रिड्यूस होगी एंड ग्रोथ भी सम एक्सटेंट थोड़ा सा इंक्रीज होगी। और इसको आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका डिजर्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए इस ऑयल से, देन यू कैन अप्लाई इट 2 or 3 times इन अ वीक, बट ओवर नाइट रखने से बेटर रिजल्ट देगा। बट आप आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी और ये ऑयल लगाने के बाद कैसा लगा सब कुछ मेरे साथ मेरी इंस्टाग्राम में मुझे DM कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।